तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने ड्रीम्स को अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं, मतलब कि वो बच्चे नहीं करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती उनसे करवाते हैं। जी सर, ये तो गलत है ही, इसमें तो कोई डिबेट वाली बात ही नहीं है, ये तो कोई भी इंसान बोल देगा कि हाँ ये तो गलत है। बट इसका एक दूसरा एक्सट्रीम भी है जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफैक्ट इससे ज्यादा हो रहा है, कि वो पेरेंट्स जो थोड़ा सा वेल ऑफ है यानी जिनके पास में ठीक ठाक पैसा है, वो क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, तुम्हारा जो मन है वो करो। क्या ये ठीक है पेरेंटिंग? मैं दोबारा से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कोई बच्चा आकर के अपने पेरेंट्स को ये बोल रहा है कि मेरा ये करने का मन है, मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे ये करना है, मेरा ये सपना है, तो क्या पेरेंट्स को उसको सपोर्ट करना चाहिए या उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए या उसको रोकना चाहिए, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? कितने कहते हैं सपोर्ट करना चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो गलत पेरेंटिंग है। That's how we are thinking, right? सर एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, सर अदर का तो पता नहीं सर, मेरे पॉइंट व्यू के सर पेरेंट्स को एक बार बाय चिल्ड्रेन को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि है ना, मतलब आपको जो भी ड्रीम है, आपका जो भी स्ट्रीम है, आप एक बार उसमें मतलब अपने फोकस करो, आगे हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, ताकि बच्चे आगे चल के ये नहीं बोले कि है ना मेरा ये ड्रीम था, आपने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। हाँ, आगे पेरेंट्स पे ब्लेम नहीं है सर। जो आप कह रहे हैं वही 99% लोगों की थिंकिंग है आज की डेट में। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं या फिर एक वेल ऑफ फैमिली बैकग्राउंड से हैं, सब ऐसा ही सोचते हैं जैसा आप सोच रहे हैं और इसको सही मानते हैं। मैं इसी को क्वेश्चन करने वाला हूँ आज कि क्या ये सही है या गलत है, क्या ये सही पेरेंटिंग है गलत है। आप कह रहे हैं सही है, मैं कह रहा हूँ गलत है। अब देखते हैं कि मेरा क्या टेक है। धीरे धीरे हमारा ये थॉट प्रोसेस बनता चला जा रहा है कि बच्चे जो भी करना चाहें उनको करने देना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मूवीज में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि जो पेरेंट्स रोकते हैं अपने बच्चों को वो करने से जो वो करना चाहते हैं वो विलेन है, और जो उनको सपोर्ट करते हैं वो अच्छे पेरेंट्स हैं। तो अच्छे बुरे की डेफिनेशन बहुत ही क्लियरली हम सबके माइंड में प्लांट कर दी गई। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं। आज से करीबन 7 साल पहले की बात है, मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया था, उनकी जो डॉटर है शी वॉज आई थिंक अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो वैसे ही डिस्कशन हुआ कि भाई आगे क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। तो उसने बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने के बारे में सोच रही। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा ये दुनिया की सबसे टफ एग्जामिनेशन है, मैं इसलिए इसको क्रैक करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने उससे काउंटर क्वेश्चन पूछा, अगर क्रैक नहीं होता है तो क्या होगा? तो उसका रिएक्शन ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मैं अपनी तरफ से अपना 100% एफर्ट करूंगी, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, जो इंडिया का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां से कोचिंग लूंगी और उसके हिसाब से एक्ट करूंगी और अपनी तैयारी में अगर कोई कमी नहीं होगी तो क्यों नहीं होगा? मैंने कहा लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक बार को कि तुम्हारा नहीं होता किसी भी वजह से, तो क्या? तो एक बार और ट्राई कर लूंगी। मैंने कहा फिर भी नहीं होता तो तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, लेकिन मैं करके रहूंगी। तो उधर से उसके फादर ने मुझे रोक दिया, कहते यार बस अब और मत बोलो, डिमोटिवेट मत करो बच्ची को, उसका मन है ना, करने दो ना, क्या हो गया, कोचिंग में 20-30 लाख रुपए लग जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, भगवान का दिया बहुत है हमारे पास, कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो। कल को ये बच्ची ये ना बोल दे आगे जा करके कि मैं कुछ करना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स ने मुझे करने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे को जहां तक ये सिचुएशन समझ आई है, मेरे हिसाब से इसको नहीं करना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पेरेंट्स को कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, जिसको हम अच्छी पेरेंटिंग समझते हैं। क्या होता है ना, आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं वो सब बहुत बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, वो कैसे कॉम्पेंसेट करते हैं अपने टाइम को पैसे से, कि बच्चे को टाइम तो दे नहीं सकते हैं, पैसा दे देते हैं, खिलौने दिला देते हैं, जो वो कहते हैं वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं। इससे क्या हुआ, हम अच्छे पेरेंट्स बन गए। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है सोसाइटी में, ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप अपने आसपास में? ये एक बहुत तेजी से चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब हो क्या रहा है, पेरेंट्स सपोर्ट के नाम पर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं बच्चों की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं किया जा रहा है। अगर उन बच्चों को कोई और आकर के क्वेश्चन करता है तो उसको रोक दिया जाता है। मैं उधर उससे क्वेश्चन कर रहा था और मुझे रोक दिया गया कि छोड़ो ना यार, तुम ज्यादा मत बोलो, अब वो जो कर रही है उसको करने दो। मैंने कहा ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स योर कॉल। आज सिचुएशन ये है कि उस लड़की ने 6 अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, वो डिप्रेशन में है, उसकी दवाइयां चल रही है, वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है, किसी से बात नहीं करती, और गलती से किसी के मुंह से यूपीएससी वर्ड निकल जाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो खुद को ब्लेम कर रही है अपने इस फेलियर के लिए। उसके पेरेंट्स को क्या नुकसान हुआ, पैसे का, 20-30 लाख रुपए का, जो उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत पैसा है उनके पास।
तो क्या ये सही पेरेंटिंग है? इज इट राइट पेरेंटिंग जैसा हम समझते हैं? यू आर सेइंग नो नाउ, लेकिन द थिंग इज आपको ये भी समझना पड़ेगा क्यों. देखो दो एक्सट्रीम्स है. एक एक्सट्रीम है जिसको तो हम बड़े क्लियरली समझ जाते हैं क्योंकि लाइफ को ब्लैक और व्हाइट की तरह देखते हैं, राइट और रॉन्ग की तरह देखते हैं, और बड़े आसानी से अपने माइंड में दो कंपार्टमेंट बना देते हैं कि ये सही है ये गलत है. गलत क्या है कि अपने बच्चों को डोमिनेट करना, उनको फोर्स करना, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, उनसे अपने हिसाब से अपने ड्रीम्स पूरे करवाना, ये सब गलत है. यहां तक तो हमको समझ आता है. तो हमने क्या सोचा, इसका अपोजिट सही होगा. जबकि एक्सट्रीम में आप कुछ भी करोगे वो गलत है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहीं पे पढ़ लिया कि पानी कम पीना गलत होता है, तो इसका मतलब क्या निकाला हमने, पानी बहुत पीना चाहिए. तो क्या ये सही है? ये अगर एक एक्सट्रीम गलत है तो उसका दूसरा एक्सट्रीम भी गलत है. बट उसको समझने के लिए वी नीड टू हैव क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज, जो बहुत सारे लोगों के पास में नहीं होती है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी ब्रेन के ऊपर लोड आता है. एंड नोबडी वांट्स एनी काइंड ऑफ लोड और एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन लाइफ. तो हम चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करके देखते हैं और उसी तरह से एक्ट करते हैं. तो अगर ये गलत है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी अपने बच्चों को डोमिनेट करना, तो अपने बच्चों को पूरी तरह से फ्रीडम दे देना भी गलत है. क्योंकि जो बच्चे हैं उनके सपने पैदा कैसे होते हैं? ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, मेरा पैशन है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा ड्रीम है. ये ड्रीम, पैशन, ये आता कहां से है? अरे मार्केटिंग की पूरी दुनिया है जहां से आपको नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ बेचा जा रहा है. कोई ऐसा एग्जामिनेशन जिसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई किया जा रहा है दुनिया में, उसके ऊपर वेब सीरीज बन गई है, और आने वाले टाइम में आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर उसके ऊपर मूवीज भी बन जाए. तो सोशल मीडिया पे आप जहां भी जाओगे इस तरह के लोग आपको दिखेंगे. कौन दिखेंगे? वो जो डिप्रेशन में चले गए, एक भी नहीं दिखेगा. इसको अवेलेबिलिटी बायस बोलते हैं, अगर साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझेंगे तो. यानी जितना डेटा हमारे पास में अवेलेबल होता है उसी के बेस पे हम अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं और हमारी थिंकिंग उसी हिसाब से चलने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल एक प्लेन क्रैश कर गया कहीं पर, और अब न्यूज चैनल्स में जहां देख रहे हो वहां पर यही आ रहा है, सोशल मीडिया पे यही आ रहा है कि ये प्लेन क्रैश कर गया, इसमें आग लग गई, इतने लोग मर गए. तो उस टाइम पे अगर आप किसी प्लेन में जाकर के बैठोगे तो आपको डर लगेगा, गाड़ी में नहीं लगेगा. जबकि डर लगना चाहिए गाड़ी में, क्योंकि वहां पे उससे हजार गुना ज्यादा लोग मरते हैं. तो आपके एक्शन चेंज हो गए बेस्ड अपॉन जो डेटा आपको सर्व किया गया उसके अकॉर्डिंग. बट ये कौन समझ सकता है? वो जो मार्केटिंग को समझता है, बाकी लोग नहीं समझ सकते. तो ये चीज मैंने आज से 7 साल पहले ही देख ली थी, जब मैंने उससे क्वेश्चनिंग करनी शुरू करी थी कि एग्जैक्टली ये ड्रीम आ कहां से रहा है उसके माइंड में. एक ऐसे एग्जामिनेशन जिसको क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसके माइंड में ये थॉट ही कहां से आ रहा है कि मेरा हो जाएगा. और उसका जो अपोजिट थॉट है, यानी कि नहीं होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी होने से बहुत ज्यादा है, उस थॉट को ही वो एंटरटेन नहीं कर रही है, ना उसके पेरेंट्स एंटरटेन कर रहे हैं. तो ये तो बहुत डेंजरस हो गया. तो उस डेंजर को मैंने तभी देख लिया था, ना उसके पेरेंट्स देख पाए ना वो खुद देख पाई, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट में वो गई या जहां पर भी उसने देखा, जैसे भी डिसीजन लिया, जहां से भी ये ड्रीम क्रिएट हुआ, वहां पर उसको सिर्फ पॉजिटिव दिखाया गया, नेगेटिविटी की कहीं कोई बात नहीं करी गई. मुझे एक भी YouTube चैनल ऐसा दिखा दो जो इसके बारे में बात कर रहा हो कि इसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं सोसाइटी पर, यानी जो UPSC की कोचिंग इंडस्ट्री है, उसकी वजह से क्या नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी सोसाइटी पर. बट जहां पर इन लोगों को एक हाई पेडेस्टल पे बिठाया जा रहा है, इस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है कि किसी भी बच्चे में ये ड्रीम क्रिएट हो जाएगा कि मेरे को UPSC क्रैक करना है, किसी भी, यानी अगर मैं 25 साल पीछे चला जाऊं तो मेरे अंदर भी क्रिएट हो जाएगा, ऐसी वेब सीरीज देखूंगा तो, या ऐसी मूवीज देखूंगा, या ऐसी बातें सुनूंगा, ऐसे लोगों को देखूंगा. किसको अच्छा नहीं लगता है जो आउटकम है वहां से जो मिलता है? आई एम नॉट श्योर आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. ये बड़ा अलग है उससे जैसा कि हम सोचते हैं या हम देखते हैं. तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं कह रहा हूं ये गलत स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है तो सही क्या है? या फिर अगर मैं अपने फ्रेंड की जगह होता तो मैं क्या करता? मैं अपनी बेटी से लड़ता नहीं, ना उसको रोकता, उससे क्वेश्चंस पूछता और ऐसे लोगों से उसको मिलवाता जो कि उसको सोचने पर मजबूर करे कि तुम जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो. और इसकी एक दूसरी साइड को भी देखने के लिए उसको फोर्स किया जाता, जिसको नेगेटिविटी नहीं कहते हैं, जिसको डीमोटिवेशन नहीं कहते, जिसको रियलिटी कहते हैं, इसको रियलिटी चेक कहते हैं. तो मैं क्या करता, कुछ भी करके रियलिटी चेक करवा देता, फिर जो मर्जी करो. यानी मान लो कि लाखों लोग
एक पर्टिकुलर जगह से छलांग लगा रहे हैं नीचे समुद्र में, उसमें से कुछ लोग जो बच करके साइड तक आ रहे हैं उनको हीरो बनाया जा रहा है, बाकी के जो डूब गए मर गए उनका कोई अता पता ही नहीं है। तो मैं क्या करता, किसी भी तरीके से नीचे जाता समुद्र की गहराइयों में और फिर उसको दिखाता, देखो कितनी लाशें पड़ी हैं यहाँ बाहर, जो 10 लोग दिख रहे हैं सिर्फ वो नहीं है, इन लाखों कंकालों को भी देखो। अब बोलो अगर करना है तो करो, इफ यू आर ओके विद दिस ऑल्सो बिकॉज यू कुड बी नेक्स्ट हियर एंड इफ यू आर ओके विद दैट देन डू इट, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने करियर को चूज करने से पहले साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ो, अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो एटलीस्ट ह्यूमन बायसेस के बारे में पढ़ लो। इन बायसेस को मार्केटिंग एक्सपर्ट समझते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मतलब इन बायसेस को पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं, एक है आप पढ़ो और समझो कि 99.99% लोग कहां फंसने वाले हैं और इन बायसेस को यूज करो, किसी को भी फंसा दोगे। दूसरा तरीका हो सकता है इन बायसेस को पढ़ने का कि आप इसको पढ़ो और पढ़ करके समझो और इस चीज को ऑब्जर्व करो कि दुनिया में लोग कैसे इन टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं आपको फंसाने के लिए, किस तरह से फैक्ट्स को छुपाया जाता है, किस तरह से चीजों को इंटरपोलेट किया जाता है, मतलब जो चीज होती छोटी सी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, किस तरह से कहानी क्रिएट होती है, एक नैरेटिव क्रिएट होता है आप लोगों के माइंड में और वो इमोशंस कैसे ट्रिगर करते हैं आपकी ब्रेन को, जिसकी वजह से एक रेपिटेटिव पैटर्न बनता है और फिर आप उसमें जाकर के फंस जाते हैं। अगर मेरी बात को एक बार को आपको रूल्ड आउट भी करना है कर दो, मुझे पता है जब भी वीडियो अपलोड होगी तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं सर क्या बोलते हैं, हम तो आए थे आपकी वीडियो देखने के लिए कि भाई मोटिवेट हो जाएंगे यहाँ से यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, ये क्या बातें कर रहे हो सर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बातों को छोड़ दो, अरे भाई एक बार पढ़ लो ना साइकोलॉजी में कि कितने तरह के बायसेस होते हैं और देखो जो मैं कह रहा हूँ वो सच है झूठ है, अपने आप वेरीफाई करो मेरे कहने से क्या होता है। देखो जो पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है वो कैसे उन सारे बायसेस को यूज कर रही है आपको कंट्रोल करने के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये पेरेंटिंग करने का जो स्टाइल है वो गलत है तो सही क्या है, सही ये है कि अपने बच्चों को हमेशा क्वेश्चंस पूछने के लिए एंटरटेन किया जाए बचपन से ही, यानी बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसमें दम हो किसी भी थॉट प्रोसेस को क्वेश्चन करने का, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो। मतलब कि वो जो बच्चा है अगर वो क्रिटिकली सोच पा रहा है, हर एक सिचुएशन की हर एक साइड को देख पा रहा है और एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पा रहा है रियलिटी के बेस पे, यानी अगर वो रियलिटी तक पहुंच पा रहा है फिर डिसीजन ले रहा है, दैट इज